हुमैरा, हुमैरा, हुमैरा बच्चा उठ, देख, अब 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 को ऊपर जाने के लिए देर हो रही है, वो इंतजार कर रहे हैं हुमैरा। हुमैरा उठ, हुमैरा, हुमैरा उठ, हुमैरा, हुमैरा। आपका साथ पाने का मौका भला हम कैसे छोड़ सकते हैं हुमैरा बेगम। भाई तो इसने कह दिया, जान आप कह दीजिए। अयान यहाँ पे नहीं है हुमैरा, वो तुम्हारी खैरियत की दुआ करने के लिए मजार शरीफ गया है। जो हुआ वो मिरेकल, चमत्कार से कम नहीं। अभी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। 2 से 3 दिन इन्हें आराम करना है, लेकिन शाम को इन्हें ले जा सकते हैं घर। हुमैरा, क्या बात है, तुम इतने घबराई क्यों? अब तो सब ठीक हो गया। यही बात, ऐसी बात नहीं, ये सोच के उदास हूं कि आज मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। और देखिए ना माजे क्या हो गया, इस वक्त अयान भी हमारे साथ नहीं है। भाईजान तुम्हारे साथ है। हाँ हुमैरा, आज का दिन अब भी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज तुम्हें इस बात का पता चला है कि भाईजान तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारी हुमैरा बेगम और अयान भाईजान की कहानी तो अब शुरू हुई है, और इंशाल्लाह इस कहानी का हर मोड़ खूबसूरत ही होगा। तो ये खबर पक्की है, वो लड़की ये मुल्क छोड़कर जा चुकी है ना? तुम उसे जाया हुआ ही समझो, हमेशा के लिए। अल्लाह कसम, अच्छी खबर सुनने के लिए काम तरस गए थे, और इस बार तो बिल्लू रानी तुमने कोई गड़बड़ भी नहीं की। वैसे तुम मुझसे बेशक पहले ले चुकी हो, लेकिन कमाए तुमने अब। मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सी बात के लिए तनवीर तुमसे झूठ बोलेगी? तुम बेफिक्र रहो, तुम अब सोया को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। शाबाश। तो कितनी बड़ी बेवकूफ है सोया, तुझे लगता है कि मेरे होते हुए तो इस मुल्क में रह सकती है? तो इस मुल्क से चली जाती तो कम से कम जान से नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अब मैं तुझे इस दुनिया से ही विदा करने वाली हूं।
अम्मी ये बस एक ड्रामा, आपने कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। एंड जस्ट बिकॉज मैंने इन्हें अंगूठी पहना दी इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच हमारी सगाई होगी। रोमांटिक जोड़ा है और कितने रोमांटिक तरीके से अपने प्यार का इजहार किया है। ये सगाई हुई वाकई में एंगेज। मिस्टर खान, मिस फारूकी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है दूसरों के कमरे में बिना नौके नहीं आते। किसी की जिंदगी में भी बिना नौक के नहीं आते मिस्टर खान, और स्पेशली तब जब आपको पता ही ना हो कि आप क्या चाहते हो। मतलब? मतलब तो आप समझाएंगे मुझे मिस्टर खान, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब? इस रिंग का क्या मतलब है? आपको नहीं पता? मुझे पता है इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या मतलब रखती। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए इसका क्या मतलब। मिस्टर खान, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। सवाल पहले मैंने पूछा था, लेकिन जवाब पहले मुझे चाहिए। जब ये रिंग आपके लिए कोई मायने नहीं रखती तो आपने मुझे क्यों पहनाई मिस्टर खान? आप तो उस दिन बड़ा कह रहे थे कि आप ऐसी रस्मों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। कहाँ था ना आपने? कहाँ था ना मिस्टर खान? सच बताइए मिस्टर खान, आपने मुझे ये रिंग इसीलिए पहनाई है ना बिकॉज यू मीन इट। क्या? यू मीन इट ना मिस्टर खान? अब आपको जाते हुए ख्वाब देखने की आदत है तो मैं आपको रोक नहीं सकता। Really? You mean you don't mean it? Huh? नहीं। जोया, जोया। नजमा बुला रही है। सुन सकती हूँ मैं भी। और हाँ, याद रखिएगा मिस्टर खान, दिस इज नॉट ओवर येट, ओके? सुन लिया मैंने। सामने थप्पड़ मारा था ना तूने बुढ़िया, कहो तो दूसरे गाल पर भी लगा दूं। माशाल्लाह बुढ़िया, तू तो बड़ी मुजोर है, लेकिन आज मैं तुझे जो सबक सिखाऊंगी ना सारी जिंदगी याद रखेगी तू। Thank you.
ना थप्पड़ मुझे सबके सामने। अब देख मैं तेरे इस हाथ का क्या हाल करती हूँ। छोड़ो, इस हाथ को किसी लायक नहीं छोड़ूंगी बुढ़िया। रुक रुक तुम्हें आराम की सब जरूरत है। बौखला गई हो तुम। अपने को बहुत शातिर समझती है ना तू बुढ़िया। काश हम तुम्हारे बारे में भी यही राय रख पाते। अफसोस बेवकूफ की बेवकूफ रह गई तुम। बिल्कुल अक्कल नहीं है तुम्हें। ए कान खोल के सुन ले बुढ़िया। तू चाहे कुछ भी कर ले, आयान और हुमैरा की सगाई रोकने में कभी कामयाब नहीं हो सकती। सगाई टूट चुकी है रजिया, फिलहाल के लिए। और ये मेरा वादा है कि जैसे ही आयान वापस आएगा, वो हुमैरा को सगाई की अंगूठी पहनाएगा। रजिया, हमारा वादा भी तो सुन के जा। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन आया तुम्हारी बेटी से सगाई कभी नहीं करेगा। ये हमारा वादा है। काजी, मैंने थोड़ी देर पहले आयान भाईजान से बात किया और मैंने उन्हें ये भी कह दिया कि आप बिल्कुल ठीक है और वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। बाजी, अब जब आयान जल्दी वापस आ रहे तो सगाई की रस्में भी जल्दी हो जाएगी ना। नहीं हुमैरा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बाजी? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? हुमैरा बेगम, पहले आपको आराम करने की जरूरत है और दो चार दिन इंतजार करने में क्या नुकसान? नहीं बाजी, मैंने परसों इंतजार किया है आयान का। एक भी दिन इंतजार नहीं कर सकती मैं। डर लगता है कुछ होता जाए। How can you say that? Emotionally challenged इंसान, क्यों पहनाई रिंग मुझे? क्यों किया वो ड्रामा? उन्हें तो पत्थर दिल कहना भी पत्थर के इंसल्ट है। दिल तो कर रहा रिंग उतारो उनके मुंह पे मारो। गुड आइडिया, यही करती हूं। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? चिपकी गई है ये तो। उतर जा। Ah!
देखने वालों को लगेगा ये तार टूटकर जोया के बाथरूम में खिड़की से नीचे गिर गया और बेचारी मर गई। जोया फारूक बेचारी अच्छी लड़की थी। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। What does she mean by talking to me like? खान का दिल जैसे छोटा है वैसे उनकी दी हुई ये रिंग भी छोटी है। हो सकता है इज इट अ साइन और समथिंग कोई साइन वाइन नहीं है जैसे मिस्टर खान का दिल छोटा है वैसे उनकी दी हुई ये रिंग भी छोटी है। लगता है इस नकली से रिंग के साथ ही जीना पड़ेगा मुझे।